घुमारवीं उपमंडल के घुमाणी चौक में सुबह करीब 6:30 बजे कार नंबर HP 694533 जो कि टाटा जेस्ट सफेद रंग की थी, बिलासपुर से घुमारवीं की तरफ आ रही थी। उस दौरान घुमारवीं चौक पर पुलिस थाना प्रभारी रिष्ट पांडे के नेतृत्व में नाका लगाया था तो चालक को गाड़ी रोकने का इशारा किया गया और चालक घबरा गया, जिससे पुलिस ने शक के आधार पर गाड़ी की तलाशी ली और गाड़ी से चिट्टा बरामद किया गया। पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर छानबीन शुरू कर दी है। युवकों की पहचान सुनील कुमार पुत्र स्वर्गीय बिशन दास गाँव व डाकघर कुठेड़ा उम्र 40 साल तथा दूसरा आशीष पुत्र नंदलाल गांव जोलपला की डाकघर कुठेड़ा उम्र 24 के रूप में हुई है। दोनों के कब्जे से 100.14 ग्राम चिट्टा बरामद कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। DSP संजय शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि थाना घुमारवीं में मामला दर्ज किया गया है और गहन छानबीन की जा रही है तथा दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। करीब 6:30 बजे थाना घुमारवीं के SHO सृष्टि पांडे IPS उन्होंने अपनी टीम के साथ जो है वो घुमाणी चौक में जो है वो नाका लगाया हुआ था। इसी बीच जो है बिलासपुर की तरफ से एक गाड़ी जिसका नंबर HP 694533 है आई, जिसको चेकिंग के लिए जो है वो वहाँ रुका गया, जिसके अंदर दो व्यक्ति जो है वो बैठे हुए थे, जिन्होंने पूछताछ के अपने नाम जो है वो एक ने सुनील कुमार निवासी कुठेड़ा और दूसरे ने आशीष निवासी जो है जोल पलाखी बतलाया। शक होने पे जब गाड़ी को चेक किया गया तो गाड़ी के अंदर जो है वो 100.14 ग्राम जो है वो चिट्टा बरामद हुआ, जो संदर्भ में थाना घुमारवीं में अंडर सेक्शन 21 और 29 NDPS एक्ट के अंतर्गत जो है वो मुकदमा दर्ज करके दोनों अभियुक्तों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया गया है। इस संदर्भ में पुलिस जो है उनसे कड़ी पूछताछ कर रही है और पता लगाया जाएगा कि ये जो है इतनी बड़ी खेप जो है कहाँ से लाए थे और इसको कहाँ इन्होंने ले जाना था और ये गोरख धंधा जो है वो कब से कर रहे थे, इस विषय में जो है वो सारे तथ्य उजागर किए जाएंगे और इस केस में फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी की जाएगी ताकि यदि कोई जो है वो प्रॉपर्टी कोई एक्वायर जो है वो इस अवैध धंधे से की गई हो तो उसको भी जो है वो कानून के मुताबिक जो है वो उसको जब्त किया जाएगा।